हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं आई हूँ नकोदर, जो कि पंजाब में है। और मेरी फर्स्ट वीडियो आपने देख ही होगा, मैं बाबा लाल बादशाह जी के दरगाह में गई थी। तो जो कि आज मेरा सेकेंड पार्ट है, तो मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर। अभी मैं आई हूँ मुराद शाह जी की दरगाह में, तो जो कि उसी के पास ही है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे भी अंदर जाके दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं, यहाँ पे मुझे सुना है कि यहाँ पे आई थिंक फोन अंदर लेके नहीं जा लेते, बट जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी वीडियो देखना। इसमें आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइस सबसे पहले हमने गाड़ी जो है वो अपनी पार्किंग में लगा दी है। तो जाओ बुला रहे तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ अपने हाथ। दूसरा भी ज़्यादा दरबार में चढ़ाई यहाँ पे आपको लगाने बहुत बड़ी बात है। तो अभी ये भी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम शूज वगैरह जो जमा करवाएंगे, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है जहाँ पे जिसने भी जाना होगा। तो यहाँ पे हम खोलेंगे शूज। तो यहाँ पे सॉक्स वगैरह भी उतारने पड़ेंगी। एक्चुअली अंदर पानी जो गुरुद्वारे में होता है ना, वैसे ही होता है। क्या हुआ, सोनी जाएगा अंदर? जाएगा इतनी ठंड है? ठंडा ठंडा ही होगा, गर्म पानी। अच्छा बाबा मुराद शाह। तो गाइस ये है फिर का, ये बड़ी वाली दरगाह है, बड़ा अच्छा यार। मैं ना ज़्यादातर मैं ना वीडियोस में भी देखती थी, लोगों की फोटोज में देखती थी, वहाँ पे लोग बैठ के वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो वीडियोस वगैरह बनाते थे। तो वैसे यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, बट मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ। गाइस अंदर उन्होंने वीडियोस वगैरह नहीं बनानी, साफ साफ बोला होगा यहाँ पे वीडियोस वगैरह कोई नहीं बना सकता। बट मैंने बाहर से क्लिप बनाई, अंदर से मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जिस चीज़ ने बनाई है वहाँ पे मैं क्यों बनाऊँगी, हमारे असूल की खराबी है। तो यहाँ का व्यू देख लीजिए। तो गाइस मैं सच में बोलूँ तो मुझे ना यहाँ पे रात का व्यू ही देखना है, क्योंकि मैंने जिस फोटोज़ में देखा हुआ ना, दो तीन फोटोज़ में, तो वहाँ पे इसका व्यू दिखाया हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा यही दिल से सपना था कि मैं रात का व्यू देखूं, और यहाँ पे सभी बोलते हैं कि रात का व्यू ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज सच में अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, सच में व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे तालाब है पीछे, और यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस आठ बजे जो दरगाह बंद हो जानी थी, तो हम पूरे 8 बजे यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे चाय वगैरह पिला रहे हैं। तो चाय वगैरह हम पी लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी बंद दरगाह। हमने दर्शन वगैरह अंदर कर लिए हैं सारी जगह, तो अब हम बस जा रहे हैं दूसरी दरगाह में, तीसरी वाली दरगाह में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो देखो गाड़ी है, ये इनको अंदर चढ़ाई हुई है अंदर किसी ने, मतलब जिनका जो बन पड़ता है, जिनकी विश वगैरह पूरी होती हैं, वो जितना हो सकता है वो इतना अपने आप मतलब दान करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने गाड़ी वगैरह दान की हुई है। तो गाइस ये है कुछ नकोदर का व्यू। तो गाइस आपको कैसा लगा ये व्यू?
तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अगर आपको कोई भी यहाँ की जानकारी कुछ भी आपको अगर इसकी इनकी स्टोरी वगैरह देखनी है तो वो आप गूगल वगैरह में देख सकते हो। मुझे जितना पता था, मतलब मुझे नहीं पता था कुछ भी, वैसे सही बोलो तो मुझे नहीं पता था सच में। तो जिस चीज़ में मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई हक नहीं है उसमें बोलने का। तो क्योंकि अगर कुछ गलत निकल जाता है फिर अच्छा नहीं होता वो। तो बस ये कुछ यहाँ की तस्वीर है, बहुत सुंदर है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का नाइट व्यू मुझे, मतलब मुझे नाइट व्यू यहाँ का देखना ही था, मुझे बहुत मन था नाइट व्यू देखने का। दिन में मैं कभी नहीं आई, बट दिन का व्यू मैंने वीडियो वगैरह में देखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ तक सुना है कि नाइट व्यू यहाँ का बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे लेने लगे शिनू के लिए एरोप्लेन, ले लो एरोप्लेन दे देना, व्हाइट वाला ब्लू वाला, व्हाइट वाला ले लो, फूल व्हाइट वाला ले लो, व्हाइट वाला व्हाइट लेना, ब्लू व्हाइट कौन सा वाला लेना, व्हाइट व्हाइट यस ले लो, यस।